आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाबबाग के सिंघिया बस्ती में देर रात लगभग दर्जन भर की संख्या में डकैतों ने मक्का व्यवसायी दिलीप सहनी के घर पर डाका डालकर लगभग 10 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली है। डकैती की खबर सुनकर सिंघिया बस्ती के लोगों में काफी दहशत है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि डकैतों ने घर के पीछे दरवाजे से छत पर चढ़कर घर के अंदर प्रवेश किया था। सभी घर वालों को एक कमरे में लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाया और फिर लूटपाट मचाते रहे। डकैतों ने मक्का व्यवसायी दिलीप सहनी के घर से लगभग कैश और जेवरात मिलाकर कुल 10 लाख से अधिक की संपत्ति लूटकर चलते बने हैं। हालांकि कैमरे पर पुलिस कुछ भी कहने से मना कर रही है, लेकिन मौखिक तौर पर बताया है कि मामले की कार्रवाई चल रही है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या घटना क्या हुई? घर में डकैती हुई। मतलब कितने बजे हुई है, कितने लोग आए थे, क्या क्या है लेके? 1 बजे डकैत झुका और कितने की संख्या? 30 आदमी से था, तो कुछ गेट पर था और 15-16 आदमी अंदर में था और आंगन में भी था। हम लोग को कैद करके बंद कर दिया। इसके बाद मारपीट शुरू कर दिया और मारपीट शुरू करने के बाद कोई मारता है, कोई गोजरे तोड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और हम कितने बोलते हैं कि भैया नहीं मारिए, नहीं मारिए, तो भी मारता है, सबको मारता है, सब जल्दी से 1 बजे से लेकर 3 बजे तलक कर रहा। और पूरा गांव समाज सब सुना, मगर कोई भी नहीं। प्रशासन पुलिस पर फोन किया, हम लोग को मोबाइल छीन लिया, हम लोग कैसे फोन करें? क्या क्या हथियार था उनके पास? खाली कट्टा, वही बंदूक जो बोलता है वही था सबके पास। सबके बंदूक था? हाँ सब। और सब मेरा पति को इतना मार मारा। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग दोनों पति पत्नी घायल हैं, और एक मझला बेटा उसका भी रट घुसा कर ऐसे अड़ता था, और छोटका बेटा का भी बहुत मार लगा। क्या क्या ले गया? बहुत सामान, पैसा कभी जेवर जथा सब। लगभग कितना हुआ? लगभग वही 7 लाख रुपया। उस दुकान का उसका कारोबार जो करता है उसमें पैसा था, दुकान घर का हमारा जीवन उवर जितना था, बहू का था, बेटी का था, लगभग 15 लाख रुपया सब मिला के 10 लाख। केस किया है? के हो गया। क्या लगता है कि अगल बगल के लोग हैं कि बाहर से लोग आए थे? जैसा गली आपका है, गली में तो भारी लोग का एंट्री करना दिक्कत है। हमारा तब किसी को शक नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं किए हैं, और केस सेटिंग किया नहीं किया हमारा तो उतना समझ नहीं है। और देखिए किसका क्या मन में है, हम तो भगवान जानेगा। सीसी कैमरा लगा हुआ था? सीसी कैमरा लगा था, सब जो कर लिया सब चीज, मतलब चोरी चपाटी मार पीट, उसके बाद कैमरा वगैरह तोड़ दिया, जो माइन था वो लेके चला गया। जिस समय घटना थी आप भी यहीं पे थे? घटना थी, क्या क्या हुआ था, कितने लोग थे? 30 लोग थे टोटल, अंदर में कुछ थे, कुछ आंगन में थे, कोई बाहर में था। अंदर में मारपीट कर रहा सबको, पैसा ले रहा और उसका रड से मार रहा सबको, बोल रहा पैसा और कहाँ है, सोना कहाँ, जल्दी बता नहीं तो मार देंगे। और फिर जाने से पहले धमकी दे के गया, बोला कि अगर किसी को कुछ बताएगा तो सबको दबोच के चल जाएंगे सब। मतलब कोई तो मतलब मास्क लगाए हुए थे? हाँ सब मास्क लगाया, तो कोई काला पट्टी लगाया हुआ था पूरा मुंह पे, और मास्क लगाया सब नकाबपोश था। केवल आँख नजर आ रहा था? हाँ सही बात। कोई कोई मास्क भी पहना हुआ था, चेहरा किसी का नहीं था, कोई गमछा भी लपेट लिया था, लुंगी में था कि? हाँ लुंगी में भी था, 3-4 लुंगी में। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ था, लास्ट में इधर काम उम करके फिर क्या किया, अंदर से बोला हार्ड डिस्क कहाँ, इसका मेन कनेक्शन कहाँ, जल्दी बता नहीं तो मार देंगे, जल्दी बता। तो वहाँ से हार्ड डिस्क ले गया, कैमरा भी लिया, धमकी भी दी गई? धमकी भी दिया था, बोला कि अगर कुछ बताएगा तो आएंगे फिर ठोक डालेंगे सब। या इनका बड़ा लड़का जो कुछ बोल नहीं रहा था मोबाइल पे, तो हम मोनू को सुनाए क्या देखो ऐसे ऐसे हल्ला गुला हो रहा है, लगता है कि फिर आ गया वो लोग। जैसे आए तो खेत में गए, बगल वाला खेत है उसमें गाछ के पास कम से कम 14-15 आदमी पिस्टल में गोली लोड कर रहे थे। उसके बाद जो है उसको बोले कौन है कौन है, तो उसके बाद वो गोली आसमान में फायरिंग किया, उसके बाद जो है हम लोग को दबाड़ा,
तो हम लोग अपना अपना घर भागे हैं और बहुत आदमी जो है ये घर में बंद हो गया था, इनका पूरा फैमिली इस ये रूम में जो भी बंद हुआ है सबको बहुत मार मारा है वो लोग। कितना राउंड फायरिंग किया? वो लोग कम से कम 10-12 राउंड किए फायरिंग। मारपीट भी किया है? मारपीट भी बहुत मार मारे हैं सबको। हुआ भैया ही जो 1 बजे रात में सब डकैत आया, पहले हुलकी मार के चला गया, तो बोले बेटा देखो तो कौन है, देखें तो सब गोली मार मार के एकदम आवाज करने लगा, सब मैदिन भाग गया, गेट में बंद करके सब आ गया, बस आके ये घर में सब मैदिन चला गया, एक रूम में सब मैदिन जाकर नुका गए, बस खुंती से कोती से तोड़ के रुक के मारने शुरू कर दिया, मारने शुरू कर दिया, हमरा मारा, हमरा पति के, हमारे बेटा के, तीनों बेटा को मारा, एक दोस्त बेटा था उसका भी मारा, और हम बोलते बाबू काम नहीं मारो, बेटा नहीं मारो, बाबू नहीं मारो। कितने की संख्या में था डकैत? डकैत तो आया था मान के घर में 20 हो, तो 15 हो तो घर में भी ढूका, 15-16 को जाओगे था तक नहीं, उतना दिमाग नहीं था। क्या क्या लूटा है? और सब फायरिंग अंगना में करता था, लिया इतना पूजी पगा जितना था दुकान का वो सब पैसा लिया, जेवर जो था बहू का था बेटी का था, एगो बहू बेटी बेटा के शादी उसका भी था, सब लेकर चला। कितना करीब जेवर लिए? वो 3.5 लाख का जेवर। नगद? नगद वही 7 लाख, 7.5 लाख ऐसे होगा। हाँ कुल मिला के कितना क्या लिए? 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख का लिया। हाँ सब 15 आदमी से? हाँ 15 आदमी, 20 आदमी था भैया, तो कुछ बाहर में था, 15 घर में था। हथियार में क्या सब था? खाली कट्टा, वही क्या बोलता है बंदूक घर जो वही सब। चेहरा ढका हुआ था? सबको चेहरा ढका था। सीसीटीवी सब भी तोड़ लिया है? हाँ सीसीटीवी कैमरा जब सब चीज कर लिया ना तब ये सब तोड़ के सब लेके चला गया। जब देसी मारने लगा मार को तो सब थौआ कर दिया, और जब हम कहने बाबू ने मार तो हमारा ये हाथे फाड़ दिया बंदूक से। पुलिस कब आई थी उसका? वो निकला एक बात तनी अगली बात पुलिस